अजय जी का, सीताराम जी का और मनोज झा जी का, जिन्होंने समझा कि हमारे यूनिवर्सिटी हमारे कैंपस के अंदर जो माहौल अलग अलग पार्टियों ने बनाया है और जिस तरह से हमारे कैंपस के अंदर डेमोक्रेसी डायलॉग चलाया गया और इसका एक जो मुद्दा था जो विषय में रखा सांझी विरासत था कि किस तरह हमारे देश के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी हमारे कैंपस के अंदर कंपोजिट कल्चर कि कैसे में हमारी यूनिवर्सिटी हमारे कैंपस के अंदर जाति की बात में बांटा जा रहा है। मैं वादा करता हूँ शरद यादव जी को और जितने भी हमारे स्पीकर्स आए थे कि हमारी यूनिवर्सिटी हमारे कैंपस के अंदर हम सब मिलकर सांझी विरासत को चलाएंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हमारे ऊपर बैठे हैं बीजेपी भाजपा आपकी बात करते हैं कि किस तरह वो हमारे जीते तो हैं चुनाव के अंदर पर आज हम ये वादा करते हैं और दावा देते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के साथ साथ आने वाले 2019 इलेक्शन में भी कांग्रेस आएगी और वही लीडर जीतेगा जो इसके लायक होगा और जो हमारे देश के अंदर अलग अलग इशूज़ से बात करता होगा। इसके साथ साथ मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेज अलग अलग कैंपस से आए हैं जो इस इशूज़ पर आए और इसके साथ साथ आगे भी हम एनएसयूआई डेमोक्रेसी डायलॉग्स करती रहेंगी और अलग अलग इश्यूज़ पे आएगी और मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब अपने कॉलेज में भी ज़रूर सांझी विरासत के बारे में बताएं कि 13 तारीख को शंकरलाल हॉल में हम सबको बताया था कि सांझी विरासत क्या है और क्या ये इश्यूज़ हैं। और जितने भी हमारे सीनियर्स हैं अजय चिकारा भाई जी, दीपक नेगी जी, गौरव भैया जी और हमारे सोनी भाई जी और बादशाह भाई जी, इन सब ने हम सबको बताया कि किस तरह में ये प्रोग्राम करना है, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच आप सबके आने के लिए यहाँ पे और रिफ्रेशमेंट बाहर है आप सबके लिए, मैं दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू।